नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में पेड़ पौधे जरूर ही लगाते हैं और ये जानकारी ऐसी है कि इसका अगर आप पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि और धन दुगनी तेजी से आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते कि उनके घर में वो जितने भी पेड़ पौधे लगाते हैं उनका उनकी जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तन मन और धन पर पूरी तरह से पेड़ पौधों का असर पड़ता है, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों में ऐसी अदृश्य शक्ति निकलती है, अदृश्य एनर्जी निकलती है, जो हर व्यक्ति पर, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पर असर डालती है। और इसी एनर्जी की सहायता से फिर व्यक्ति का सौभाग्य चमकने लगता है, दुर्भाग्य खत्म हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने घर की दक्षिण दिशा में इस पौधे को भूल कर भी ना लगाएं, या तो पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तुलसी का पौधा तो स्वयं ही माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा प्रिय तुलसी ही थी। इसलिए जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ईशान या पूर्व दिशा में ही इस पौधे को लगाया करें। आपको बता दें कि केले का जो वृक्ष होता है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और केले का पेड़ गुरु ग्रह से संबंध रखता है। गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना गया है। जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह प्रबल हो जाता है उसे अपने आप ही धन संपत्ति के योग बनने लगते हैं। किस्मत बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाती है। जिस भी कार्य में, जिस भी क्षेत्र में वो व्यक्ति हाथ डालता है उसे बिल्कुल सफलता ही मिलती है। गुरु ग्रह की इतनी अहमियत मानी जाती है कि अगर ये किसी का कमजोर हो तो उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल, मेहनत और धक्के खाना बहुत ही ज्यादा अधिक लिखा होता है। वो जितनी भी मेहनत करता है उसकी सब मेहनत विफल हो जाती है। वैवाहिक सुख भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। शादी के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि उन लोगों का गुरु ग्रह बलवान नहीं होता, कमजोर होता है। तो ऐसे में आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास गुरुवार के दिन केले का पेड़ जरूर लगाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ तुलसी की आपको दुगनी तेजी से कृपा प्राप्त हो तो आपको केले का वृक्ष गुरुवार के दिन जरूर लगाना चाहिए। अब बहुत से लोग तुलसी के पौधे को गमले में लगाते हैं और तुलसी के बगल में कोई दूसरा पौधा रखते हैं, पर हम आपको बता दें कि तुलसी के बगल में कोई दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास हमेशा सिर्फ केले का ही पेड़ होना चाहिए। इससे आपको माँ तुलसी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में केले का वृक्ष लगाएंगे तो ये केवल गुरुवार के दिन ही आपको लगाना है, और वो भी सुबह के समय, क्योंकि जब भी आप अपने घर में पेड़ या पौधे लाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि सुबह के समय ही इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। और केले का वृक्ष आपको केवल ईशान कोण में ही तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए, और इस तरह से आप उन दोनों पेड़ पौधों को ऐसे रखें कि तुलसी राइट दिशा में यानी राइट हाथ पर और केले का वृक्ष हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि आपको लेफ्ट और राइट डायरेक्शन देखनी कैसे है। तो आपको बता दें कि सभी दिशाएं घर के बाहर की तरफ से देखी जाती है, यानी जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से तो उस समय पर तुलसी आपके राइट हैंड साइड होनी चाहिए और जो केले का वृक्ष है वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। ऐसे आपको राइट लेफ्ट डायरेक्शन देखनी है। इससे आपको सुख समृद्धि दुगनी तेजी से मिलेगी। घर के मुख्य जो है उसे धन प्राप्ति के योग बनेंगे और घर में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा कि पूरा माहौल ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि इन दोनों पौधों को कभी भी सूखने ना दें, पानी की व्यवस्था रखें,
या तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे अपने आप इनमें पानी जाता रहे, या आप इन्हें रोजाना जल चढ़ाएं। माँ तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि चुनरी जब फट जाए तो इसे बदल लिया करें। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो पेड़ पौधों से निकलने वाली ऊर्जा आपके भाग्य को प्रबल करेगी और चमका देगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माँ तुलसी।